Do not let your failures enter your mind just because a piece of paper says so. That's it. I have failed multiple times in my life. In spite of my failures today, I'm standing in front of you because I did not let my failures enter my mind. That's what you need to do. और अगर आप में से एक भी स्टूडेंट यह सोचता है कि मैं सक्सेसफुल नहीं हूं, अगर आपको यह लगता है कि मेरी लाइफ में सक्सेस नहीं है, एंड आई एम नॉट अ सक्सेस, आई एम अ फेलियर, लेट मी टेल यू समथिंग, क्या आप में से एक भी बच्चा खड़ा होकर मुझे बता सकता है सक्सेस की डेफिनेशन क्या होती है? सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? सक्सेस सिंपली मीन्स अचीविंग एन एम और अ गोल. दैट्स इट. आप किसी चीज को कैसे समझते हो, उसकी डेफिनेशन से, उसके मीनिंग से. दिमाग में आपने सक्सेस की जो मर्जी डेफिनेशन बना रखी हो, व्हाट इज द ट्रू डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? सक्सेस मीन्स अचीविंग एन एम और ए गोल इन लाइफ. आप मुझे ये बात का जवाब दो, क्या आपने अपनी जिंदगी के अंदर आज तक कोई भी एम अचीव नहीं किया? क्या आपने कोई भी गोल अचीव नहीं किया? जब मैं स्कूल में था, मेरा गोल था 10th क्लास पास करना. मैं उसी दिन सक्सेसफुल हो गया जब मेरा 10th का रिजल्ट आया. मेरा एम था 11वीं 12वीं पास करना, सीए में एडमिशन लेना, उस डर को जीतना कि सीए बहुत टफ है. मैंने उस कोर्स में एडमिशन लिया, उसी दिन मैंने अपने आप को सक्सेस मान लिया था. उसी दिन मैंने अपने आप को सक्सेस मान लिया था. आप अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करके आए हो, आपने सीए में एडमिशन लिया, आपने एग्जाम्स पास किए, यू आर डूइंग आर्टिकलशिप, ऑल ऑफ यू आर ऑलरेडी अ सक्सेस, ऑलरेडी अ सक्सेस. मगर सिर्फ और सिर्फ एक अटेम्प्ट में मार्क्स कम आने की वजह से पुरानी सारी की सारी सक्सेस को अगर आप पानी फेर देते हो तो गलती आपकी है. यू आर एट फॉल्ट. यू आर नॉट अ फेलियर, यू आर ऑलरेडी अ सक्सेस. अब आप मुझे कहोगे कि सर गलती कर दी, हम तो ये बात समझ गए, अपने पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, नेबर्स, सर इनको अगर साथ में ले आते, सर अगर इनको साथ में ले आते तो थोड़ा माइंडसेट इनका भी सही हो जाता. प्रेशर सर वहां से है, प्रेशर मैं तो समझ के चला जाऊंगा आज, सर मैं तो समझ के चला जाऊंगा, प्रेशर वहां से है. दोस्तों किन रिलेटिव्स की बात कर रहे हैं आप, किन नेबर्स की बात कर रहे हैं आप? मैं आपको एक नेबर का एक एग्जांपल देता हूँ अपनी लाइफ का, रियल एग्जांपल. जब मैं 12th पास करके मैंने सी एम एडमिशन लिया तो मैं घर से जा रहा था, तो हमारे भैया हुआ करते थे पड़ोस में, स्कूटर पे कहीं जा रहे थे, स्कूटर ऑन ही किया था, मैं बगल से गुजरा, तुरंत उन्होंने रोक लिया, नितिन रोक. मैं कहा नमस्ते भैया, बताइए क्या हाल है? बोला यार 12th का रिजल्ट आ गया, पास हो गया. मैंने कहा हाँ पास हो गया, तो अब? मैंने कहा बस सी एम एडमिशन लिया. कहता उतरी, उसने वही स्कूटर लगाया, अपना हेलमेट उतारा, कहता पागल तो नहीं हो गए? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, तुझे पता भी है सीएम रिजल्ट कितना आता है? मैंने कहा नहीं मुझे तो नहीं पता और मुझे जानना भी नहीं है. उन्होंने कहा 1% रिजल्ट आता है सीएम में, 1% रिजल्ट, तू क्या इतना इंटेलिजेंट है, 99% मार्क्स आए थे क्या? मैंने कहा नहीं. कहता अबे मेरा सपना मामा, मेरा अपना मामा. मैंने कहा क्या हुआ मामा? मेरा मामा पिछले 20 साल से कोशिश कर रहा है, वो सीएम नहीं बनेगा. मैंने कहा मामा बन गया, मतलब. मैंने कहा भैया मैं चलता हूं. बोला ये गलती मत करना, अभी कुछ दिनों पहले मिले थे वही भैया. मैंने उनको अपनी बुक दी, मैंने कहा भैया ना सिर्फ सीए पास करी, एक बुक भी लिखी और बच्चों को पसंद भी आ रही. यार तुझे तो करना ही था, वो तो लग ही रहा था, तू तो बनेगा ही बनेगा, वो तो मुझे दिख ही रहा था. यही होगा दोस्तों आपके साथ, यही होगा आपके साथ. जिन नेबर्स को ये पता भी नहीं है कि सीए का रिजल्ट आता कितना है, और अगर उनका कोई रिलेटिव, उनका कोई जानकार 1000 अटेम्प्ट भी सीए में लगा रहा है, डजंट रियली मीन कि दैट्स गोइंग टू रेप्लिकेट ऑन यू. नो, इट डजंट मीन दैट. बात करते हो आप रिलेटिव्स की, आपको लगता है आपके रिलेटिव से प्रेशर है? उन्हीं दिनों के आसपास की बात है, मैं कहीं जा रहा था, हमारे एक रिलेटिव हुआ करते थे, आंटी थी, रास्ते में उन्होंने रोक लिया मुझे. हाँ नितिन बेटा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा हाँ नमस्ते आंटी, बताओ कहीं जा रहा था. बोले बेटा सीए का रिजल्ट, इसका 12th का रिजल्ट आ गया, पास हो गए. मैंने कहा हाँ, अब क्या कर रहे हो? वो दौर था, जवाब देना था, तो मैंने कहा सीए कर रहा हूँ. अच्छा तुम भी सीए कर रहे हो? मैंने कहा क्यों, आप भी सीए कर रहे हो क्या? बोले नहीं मैं तो नहीं कर रही, मेरी बेटी सीए कर रही है. मैंने कहा अच्छा तुम कहां से कर रहे हो? दोस्तों एक इंसान वो खड़ा कर दे हाथ जिसको अपनी जिंदगी में ये सवाल ना फेस किया हो. उन्होंने मुझे यही सवाल किया, अच्छा सीए कहां से कर रहे हो? मैंने कहा मैं तो आईसीएआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से कर रहा हूं, और तो कहीं और से नहीं होती. ना, मेरी बेटी तो इग्नू से कर रही है. मैंने कहा नमस्ते आंटी, मैं चलता हूं. इन रिलेटिव्स की बात कर रहे हो आप? इन रिलेटिव्स की बात कर रहे हो आप? उन नेबर्स की बात कर रहे हो आप? फ्रेंड्स की बात कर रहे हो आप? फ्रेंड्स की? दोस्तों लेट मी टेल यू,
अगर आपके फ्रेंड्स आपको नीचा दिखाते हैं ना, और अगर आपके फ्रेंड्स आपके फेलियर्स का मजाक उड़ाते हैं, तो वो आपके फ्रेंड्स नहीं हो सकते, वो आपके फ्रेंड्स नहीं हो सकते दोस्तों। असली दोस्त वो है जो आपको मोटिवेट करे इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि एक पीस ऑफ पेपर कहता है। यस यस दैट्स ट्रू।